दोस्तों क्या आपको पता है जवान फिल्म की हीरोइन नयनतारा का एमएमएस लीक हो गया था। किसने किया था शाहरुख खान की हीरोइन का एमएमएस लीक, आइए आपको बताते हैं। साउथ फिल्मों की बेहद ही खूबसूरत हीरोइन नयनतारा इन दिनों अपनी फिल्म जवान से सभी लोगों का दिल जीत रही है। वहीं साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा का निजी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। नयनतारा को एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्यार हुआ। नयनतारा का पहला प्यार कॉलीवुड के स्टार एक्टर सिम्बू थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। इस दौरान ही उनके बीच प्यार पनपा और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सिम्बू के साथ नयनतारा के एक एमएमएस ने पूरे साउथ इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। वक्त इस एमएमएस स्कैंडल ने काफी तहलका मचा दिया था। इस एमएमएस में दोनों के इंटीमेट पलों का वीडियो था, जिसमें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं आप समझ ही गए होंगे। नयनतारा और सिम्बू के इस एमएमएस ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। किसी लड़की का अगर एमएमएस लीक हो जाए तो उस पर क्या बीतती है आप समझ ही सकते हैं। इस एमएमएस के बाद नयनतारा डिप्रेशन में चली गई थी और फिर नयनतारा ने अपने बॉयफ्रेंड सिम्बू पर एमएमएस लीक करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सिम्बू ने कहा था ये एमएमएस मैंने लीक नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। इसके बाद नयनतारा ने अपने बॉयफ्रेंड सिम्बू से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद नयनतारा की जिंदगी में पहले से शादीशुदा डायरेक्टर प्रभुदेवा आए, मगर इस रिश्ते में नयनतारा को सिवा दुख और दर्द के कुछ भी नहीं मिला। बाद में नयनतारा ने तमिल फिल्मों के फिल्म मेकर विग्नेश शिवन से शादी रचाई। एमएमएस लीक के वक्त नयनतारा ने कहा था मैंने प्यार में जिस्म दिया और बदले में मुझे बदनामी मिली, जिंदगी भर का दाग मेरे कैरेक्टर पर लग गया।